यार सृष्टि का खेल देखिए, जिस अडानी को एनडीटीवी रवीश कुमार और उनके चाटुकार 24 घंटा गालियां दिया करते थे। आपके पास अडानी का जहाज है, पैसा है, ताकत है, सब है, तो आप ही बनाएंगे ना बेवकूफ, और कौन बनाएगा। उसी अडानी ने अब एनडीटीवी चैनल में एक बड़ा स्टेक खरीद लिया है। आइए जरा रवीश जी का इनिशियल रिएक्शन इस खबर पर जानते हैं। अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर अभी। खबर ये भी आ रही है कि जो 29% स्टॉक अडानी ने खरीदा है, इसके बाद वो एक फर्दर 26% एनडीटीवी के स्टॉक को खरीदने के पोजिशन में आ गए हैं। क्या ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास आ रही है कि ये खबर सुनकर रवीश कुमार जी बेहोश हो चुके हैं और हार्वर्ड प्रोफेसर निधि राजदान जी उनको उठाने की कोशिश कर रही हैं। खैर, जब तक रवीश कुमार जी वापस होश में आते हैं, तब तक आइए इस खबर को डिस्कस करते हैं। देखते हैं कि क्या अडानी के खरीदने के बाद एनडीटीवी की कवरेज चेंज होगी और मीडिया लैंडस्केप इस न्यूज के बाद कैसे चेंज होगा। हेलो हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए, आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो भाई, जो चैनल जिसका एंकर और जिनके चाटुकार हमेशा जिस इंडस्ट्रियलिस्ट को गालियां दिया करते थे, जैसे कि आज के दिन इंडिया में कई लोग मानते हैं कि जियो की ऑलमोस्ट एक मोनोपोली एग्जिस्ट करती है टेलीकॉम सेक्टर पर, बाकी कंपनीज उससे कम्पीट ही नहीं कर पा रही। आपके पास अडानी का जहाज है, पैसा है, ताकत है, सब है, तो आप ही बनाएंगे ना बेवकूफ, और कौन बनाएगा। उसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने उनके चहेते चैनल में एक 29% का स्टेक खरीद लिया है और उस इंडस्ट्रियलिस्ट के पास ऑप्शन है कि फर्दर 26% स्टेक वो इस कंपनी में खरीदने की कोशिश कर सकता है। एक समय था जब रवीश कुमार जी पेट फटने की बात किया करते थे, आज शायद उनका कुछ और ही फट रहा होगा। रवीश कुमार जी डर के माहौल के बारे में इतने सालों से बात कर रहे थे, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि डर का माहौल उनकी जिंदगी में एक्चुअली आ भी जाएगा। The move, the unexpected nature of the move, the unpredictability of the move. तो मोदी जी की तरह ही एनडीटीवी भी अब सूट बूट का न्यूज चैनल बन चुका है और पूंजीवाद का न्यूज चैनल बन चुका है। और अडानी को भी दाद देनी पड़ेगी यार, जिस चैनल से उसको सबसे ज्यादा नेगेटिव कवरेज मिला करता था, उस नेगेटिव कवरेज को खत्म करने का क्या बढ़िया उपाय निकाला है। How did you remove the negative coverage? I bought the coverage. और एनडीटीवी के मुताबिक तो अडानी ने एनडीटीवी को खबर तक नहीं किया, एनडीटीवी से बात तक नहीं की एनडीटीवी में इतना बड़ा स्टेक खरीदने के पहले। कुछ नहीं कर सकते हैं आप, बस एक नपुंसक की तरह खड़े होकर तमाशा देख सकते हैं आप, नपुंसक की तरह। और एनडीटीवी के साथ साथ एनडीटीवी के बड़े बड़े सपोर्टर्स के भी मेल्टडाउन हो रहे हैं। ये जो ऑब्सेशन था, मैड ऑब्सेशन था, ये कुछ हमें एनडीटीवी के साथ भी दिखा है कि कुछ लोग एनडीटीवी को पसंद नहीं करते हैं, ना पसंद करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट पसंद नहीं करती है, बड़े बड़े प्रोमिनेंट बिजनेसमैन पसंद नहीं करते हैं एनडीटीवी को, एंटी एस्टैब्लिशमेंट देखा जाता है, बोला जाता है, लेकिन पैसे के दम पर एनडीटीवी को हासिल करने की जो होड़ लगी थी अब पूरी हो गई है। एनडीटीवी को लग रहा है ऑलमोस्ट मुट्ठी में ही कर लिया। जो पार्टी भारत में मीडिया फ्रीडम का खून करने के लिए प्रसिद्ध है, उस पार्टी के लीडर इस बात का शोक मना रहे हैं कि एनडीटीवी की मीडिया फ्रीडम खत्म होने वाली है। ये बढ़िया हिपोक्रेसी है यार। ये तो वही बात हो गई कि टाइगर श्रॉफ बुरी एक्टिंग की निंदा कर रहे हैं। छोटे बच्चे हो क्या, समझ नहीं आता कि साथ रहो। Just stop it. ये खबर सुनके दवायर भी चौड़ा हुआ कि देखिए शायद हमको भी यहाँ पर आके कोई खरीद ले। तो उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ ट्वीट किया कि दवायर इज नॉट फॉर सेल, हमको कोई खरीद नहीं सकता। वाह, मतलब ये तो वही बात हुई कि मैं बोलूं कि मैं इंग्लिश प्रीमियर लीग में जाके खेलना नहीं चाहता। मैं इंडियन क्रिकेट टीम के लिए जाकर खेलना नहीं चाहता। अरे भाई, औकात भी होनी चाहिए है? अब सोचने वाली बात यह है कि अडानी एनडीटीवी के ऑफिस में जाकर पहले दिन करेंगे क्या। अरे मैनेजर जी, ये कैबिन किसकी है? ये आपके बड़े भाई साहब विक्की ओबेरॉय की। विक्की ओबेरॉय की है, बेच मारो इस कैबिन को जी। और इसके पैसे जो है हमारे नए बैंक के नए अकाउंट में डाल जी। ये कैबिन किसकी है? ये आपके दोनों चाचाओं की है, बेच मारो इसको। थैंक यू। ये दो कैबिन किसकी है? ये टॉयलेट है सर, बेच मारो इनको। राज साहब, गुजरात से फैक्स आया कि वहाँ एल्यूमिनियम की फैक्ट्री बंद हो गई, तो भेज मारो उसको। अरे राज बेटा, तुम भेज मारो इनको। हाँ। कौन है? और जब वो रवीश के ऑफिस से पहुंचेंगे तब क्या बोलेंगे? क्या रे भिक मंगिया,
क्या दिख रहा है? हाँ, हलवाई क्या? अब पब्लिक के दिमाग में ये जरूर चल रहा होगा कि अडानी को 24 घंटे गाली देने वाले रवीश कुमार, उनको एनडीटीवी में अपनी नौकरी बचाने के लिए अब क्या क्या करना पड़ेगा। 12th तक तो ये नहीं मिला, मोदी साहब ने हमको दिया था, बेटा आओ, मेरा बाप है ना वो मोदी जी। जी बिल्कुल राइट, सीना तान से बोलता हूँ। योगी जी, योगी जी भाई साहब है। सलाम कर रहा है कि सलाम बेच रहा है? सलाम साहब। भाई कहाँ चौकीदार है, एक बार भाई को सलाम नहीं किया। भाई ने 6 महीने तक हर एक आदमी को देखकर सलाम ठोकने की सजा दी है इसको। सलाम साहब। बुल्ला मेरे को मत मार, तेरे को एड्स से बचाने के लिए निरोध बन जाऊंगा, तावेल बनकर तेरी कमर से लपट जाऊंगा, मेरे को मत मार। अडानी के एनडीटीवी खरीदने के बाद आप जरा सोचिए कि जब रवीश कुमार प्राइम टाइम के लिए तैयार हो रहे होंगे तो उनकी क्या हालत होगी। और अडानी के एनडीटीवी खरीदने के बाद पहले प्राइम टाइम शो में रवीश कुमार जी को क्या बोलना पड़ेगा? तारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हमारा तारे। और ये क्या कर रहे हो तुम? और दूसरे शो में पता नहीं क्या बोलना पड़े। आप लोग मोदी जी को सपोर्ट क्यों नहीं करते? इतने अच्छे आदमी को सपोर्ट नहीं करते, किसको सपोर्ट करे हुए भाई? मोदी जी देश हित में बात करते हैं। वैसे इसमें एनडीटीवी को इतना दुखी और कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है भाई? एनडीटीवी और रवीश कुमार के जो चहेते हैं, जो दोस्त हैं, जो फैंस हैं, वो तो कई सालों से यही काम करते हुए आ रहे हैं। 24 घंटे अडानी अंबानी को गाली देंगे और फिर अडानी अंबानी के ऐड करके पैसे भी कमाएंगे। And remember, if you purchase your insurance online, we charge you less, 10% less. जो सीखा है आपसे सीखा है। लेकिन कसम से विडंबना कुमार की लाइफ में एक बहुत बड़ी विडंबना आ गई है। या तो पूंजापतियों के लिए काम करते करते लाखों रुपए कमाते रहे, या फिर जिस अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हमेशा कंप्लेन किया करते थे उस अनएम्प्लॉयमेंट में एक और फिगर बन जाएं, या फिर ऑप्शन नंबर 3 भी है कि यूट्यूब के ब्रह्मांड में अजीत अंजुम और अभिसार शर्मा के बाद एक और सितारा बन जाएं और यूट्यूब पर जाकर वापस जीबी रोड के व्लॉग्स बनाया करें। बताइए, पहले रवीश कुमार ध्रुव राठी को अपने चैनल पर बुलाया करते थे, अब लगता है ध्रुव राठी को रवीश कुमार को अपने चैनल पर बुलाना पड़ेगा। मुझे सपोर्ट करो प्लीज, मुझे सपोर्ट करिए, मैं आग लगा दूंगा तुम्हारे लिए। लाखों की नौकरी छोड़ दी, लाखों की नौकरी छोड़ दी, बिल्कुल बेरोजगार हूँ या कड़ा हुआ बेरोजगार हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। बस इतना ध्यान रखिएगा रवि जी की कहीं YouTube पर गलती से अडानी अंबानी के प्रोडक्ट ना प्रमोट कर दें। अब देखिए मेल्टडाउन तो हमने देखे, लेकिन जरा ये भी सोचना पड़ेगा कि अडानी के एनडीटीवी को खरीदने के बाद क्या मीडिया लैंडस्केप भारत में बहुत चेंज होने वाला है। देखिए ये बात तो सबको पता है कि जो ट्रेडिशनल लेगेसी मेनस्ट्रीम मीडिया है उसकी व्यूअरशिप कम हो रही है और उसके प्रॉफिट्स काफी गिर रहे हैं, तो ट्रेडिशनल मेनस्ट्रीम मीडिया भी धीरे धीरे डिजिटल मीडिया की तरफ बढ़ रही है। आप अमेरिका में देखिए, चाहे फॉक्स न्यूज हो या फिर CNN का फेमस फेल्ड एक्सपेरिमेंट हो। डिजिटल मीडिया का जो स्पेस है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है और इस स्पेस में काफी पैसा भी है। 2022 में भारत के डिजिटल मीडिया का वर्थ अराउंड 400 बिलियन रुपीस है और 2024 में ये बढ़कर 500 बिलियन रुपीस से भी ज्यादा होने वाला है। तो बिलियनर्स भी देख रहे हैं कि जो इतना बड़ा मार्केट है, इतना लुक्रेटिव मार्केट है, इस मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसलिए मुझे ये नहीं लगता कि एनडीटीवी का जो कवरेज है वो बहुत ज्यादा चेंज होने वाला है। याद रखिए कि अडानी ग्रुप ने क्विंट में भी एक बहुत बड़ा स्टेक खरीदा था मई में, लेकिन क्विंट का कवरेज कुछ खास चेंज तो नहीं हुआ है। ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की, इट्स नॉट जस्ट एन एकेडमिक टर्म, इट्स ऑल अराउंड अस एंड मे बी इट्स टाइम वी डू नीड टू स्मैश इट। का बवासीर बना दिए हो। मुझे तो ये लगता है कि एनडीटीवी जो है मोदी को गरियाती रहेगी, आगे जाके बीजेपी को, हिंदुत्व को, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म को, सबको गरियाती रहेगी, क्योंकि देखिए यही एनडीटीवी का बिजनेस मॉडल है और एनडीटीवी को जो लोग देखने आते हैं वो इसी रीजन से आते हैं। ये हो सकता है कि अडानी के जो बिजनेस वेंचर्स हैं उसमें शायद एनडीटीवी बहुत ज्यादा देखना बंद कर दे। एनडीटीवी जैसे चैनल को खरीदने का अडानी को ये बेनिफिट है कि भले ही चलिए एनडीटीवी भारत में इन्फ्लुएंशियल नहीं है, लेकिन भारत के बाहर एनडीटीवी का इन्फ्लुएंस है, भारत के बाहर
बाहर की जितनी भी मीडिया है वो हमेशा इंडिया को कवर करने के समय पर एनडीटीवी को कोट करती है। तो अगर अडानी एक ऐसे लेफ्ट विंग मीडिया कॉर्पोरेशन से अपना नाम जोड़ लेता है जिसको एटलीस्ट इंडिया के बाहर थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिलती है, तो हो सकता है अडानी इंडिया के बाहर भी जो बिजनेस वेंचर्स कर रहा हो उस पर से भी इंटरनेशनल मीडिया की जो छानबीन है वो थोड़ी कम हो जाए। याद करिए कि किस तरह से आदर पूनावाला के ऊपर लेफ्ट विंग मीडिया इंक्लूडिंग एनडीटीवी ने कितनी बुरी तरह से अटैक किया था जब वो गवर्नमेंट के लिए वैक्सीन डेवलप कर रहे थे, लेकिन जैसे ही एनडीटीवी को कुछ पैसे डोनेट किए आदर पूनावाला ने, एनडीटीवी और सारा लेफ्ट विंग मीडिया चुप हो गया। और अडानी अपने आप को इस तरह से दिखा सकता है दुनिया को कि देखिए मैं एक इतना अमीर आदमी हूँ लेकिन मैं एक इंडिपेंडेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं फ्री मीडिया को सपोर्ट करता हूँ, मैं डेमोक्रेसी का देखिए कितना बड़ा सपोर्टर हूँ। यही काम देखिए अमेरिका के बड़े बड़े बिलियनर्स जैसे कि जेफ बेजोस, जैसे कि जॉन हेनरी, इन लोगों ने वॉशिंगटन पोस्ट और बॉस्टन ग्लोब को खरीद कर भी किया है। बेसिकली अपने आप को एक आयरन मैन के कैरेक्टर जैसा दिखा सकते हैं कि देखिए जिस तरह से आयरन मैन बिलियनर होने के साथ साथ क्राइम से लड़ता था, उसी तरह से हम लोग बिलियनर होने के साथ साथ मीडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं। और रवीश जी को छोड़िए यार, जब उनसे पूछा जाएगा कि आप अडानी के बारे में आप कुछ बोलते क्यों नहीं है, तो उनके पास बड़ा सिंपल सा जवाब है, मेरे बाप समान है वो। तो मुझे नहीं लगता कि एनडीटीवी की जो कवरेज है वो बहुत रेडिकली चेंज होने वाली है, लेकिन लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। और अडानी के पहले भी कई ऐसे बिलियनर्स हैं जिन्होंने बड़े बड़े न्यूज कॉर्पोरेशंस में इसी तरह से इन्वेस्ट किया है इन रीजंस की वजह से। फॉर एग्जांपल अंबानी नेटवर्क 18 को कंट्रोल करता है जो सीएनबीसी टीवी 18 और सीएनएन न्यूज 18 को कंट्रोल करते हैं। रिपब्लिक टीवी में एशिया नेट ने इन्वेस्ट किया है। मिंट को बिरला फैमिली ओन करती है। बिजनेस स्टैंडर्ड को कोटक फैमिली ओन करती है। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, नंबर वन ये एक बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है अडानीज के लिए। नंबर टू, अडानीज जो हैं वो एक बड़े लेफ्ट विंग मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करके अपनी इमेज भी इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में सुधार सकते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से अडानी का एनडीटीवी को खरीदने के पीछे क्या रीजन है? क्या आपको लगता है कि अडानी के एनडीटीवी खरीदने के बाद एनडीटीवी की कवरेज में चेंज आएगा? हाँ या ना नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और आप अगर हाल ही में कुछ हुए बड़े मेल्टडाउन्स को देखना चाहते हैं तो वो पूरी प्लेलिस्ट यहां या यहां पर मौजूद होगी, उसको क्लिक करके जरूर देखें। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, थम्स अप दें, इससे मेरी बहुत मदद होती है, शो की बहुत मदद होती है। अगर आप शाम शर्मा शो का मर्च नया खरीदना चाहते हैं तो नीचे लिंक पर क्लिक करके शाम शर्मा शो का नया मर्च जरूर देखें। अगर आप शाम शर्मा शो के मग क्लब के मेंबर बनना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियन के लिंक पर क्लिक करके शाम शर्मा शो के पेट्रियन जरूर बने। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।